Mohi Joshi. Hi, this is Barki Khan. Hi, this is Simran Khan, and you are watching FIFA Foos. Hi guys, firstly welcome on our channel FIFA Foos. Thank you for having us. क्या कहना है, एक न्यू नाग की स्टोरीज लेके आ रहे हो आप लोग. हमने काफी नागिनों की स्टोरी सुनी है, लेकिन इसमें क्या कुछ हटके होने वाला है. इसमें सब कुछ हटके ही होने वाला है. हाँ, it's not your regular नाग story. It's a little different. See, as the name says, it's like Naag Vadhu, like Naag ki bride hogi, koi dulhan hogi. So it's not a Nagin kind of concept, which everyone is conscious like thing. I guess so. It is not like that. इसमें नाग को बुलाया जा रहा है. मतलब हम इंसानों द्वारा ही नाग को बुलाया जा रहा है. तो ऐसा कुछ नहीं है. Something is different, and we cannot reveal that. But कुछ new है, and आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. What do you want to say? तो एग्जैक्टली मेरा वही कहना था कि हम लोग कोई नाग ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक अचानक मैं इच्छाधारी नागिन बन जाऊंगी, जैसा मोस्टली सब नागिन शोज में होता है. तो इट्स अ लिटिल डिफरेंट जहाँ पे हम सब नाग की वधुएं हैं, ब्राइड्स हैं, और कैसे बनती हैं और क्या होता है और नाग कौन है और भुजंगराज कौन है. मतलब हमारे शो के हीरो है भुजंगराज. भुजंगराज की जय हो. जैसे आप लोगों ने कहा कुछ तो डिफरेंट है, ठीक है. वी नो समथिंग विल बी चैलेंज ओवर देयर. अगर कैरेक्टर की बात करें तो क्या कुछ आप लोगों ने चैलेंजेस फेस किया है? चैलेंजेस तो हमने बहुत फेस किया है सेट पे भी, लाइक द वेदर इन विच वी वर शूटिंग बहुत ज़्यादा. और हमारा जो कैरेक्टर था वो भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था. आई गेस मेरा भी, इनका भी और शुभोही का भी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था. एंड हम ऐसा किरदार लाइक आई एम प्लेइंग, फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग सच रोल लाइक दिस काइंड ऑफ, जिसमें आप मतलब मैं डोमिनेट कर रही हूँ. सुबोही का भी कैरेक्टर वैसा है. और सबसे चैलेंज की बात कही जाए तो देखिए, हम लोग सब शहर से हैं, तो हमारा बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज सब बहुत मॉडर्न होता है. तो वो वहाँ पे वो पल्लू रख के और वो गांव वाला बनना बहुत डिफिकल्ट होता है. प्लस सम सीन्स वर वेरी डिफिकल्ट टू शूट, जैसे कि कुछ बहुत ही इंटीमेट सीन थे वो सब करना, तो वो सब बट वी वर वेरी कंफर्टेबल इन डूइंग दैट बिकॉज़ हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर्स ने हमारा बहुत यू नो दे टू केयर ऑफ अस. एंड हमें बहुत अच्छा लगा. एंड ये सारे आई वॉज कम्फर्टेबल बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल रखा था, इनको भी रखा था. वी आर जस्ट किडिंग. बाकी सपोर्ट था, डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे से हैंडल किया हमें. सो या आप अपने किरदार के बारे में कुछ बताएंगे? प्रताप सिंह का जो ये कैरेक्टर है बहुत बड़ा फ्लर्ट है और वुमनाइजर है और ड्रंक रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ही गॉट एक्सपेल्ड फ्रॉम हिज जॉब. और बिकॉज वो अंडरकवर कॉप है, तो आप लोगों को तीन वेरिएशंस मेरे देखने को मिलते हैं. इसमें बहुत कॉमेडी है कैरेक्टर की, उसके बाद कॉमेडी है, फिल्मी है बहुत ज़्यादा. उसका एक ट्रक है, उसमें फिल्मी पोस्टर्स लगे हुए हैं, बहुत अश्लील है, बहुत अश्लील है. लेकिन उसको कुछ एक राज मिलता है जो सावरी का कैरेक्टर है, जो पॉलीवी ने किया है, वो उसके पीछे जाता है और वहाँ से गाँव में स्टक होके किस तरीके से ये जो चीज़ चल रही है गाँव में क्या एक्सप्लोर करता है, वो तो आप देखेंगे तब पता लगेगा. बट या अंडरवर्ल्ड कॉप है तो बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट करता है. और बहुत सारे सीन्स हैं जो बहुत अच्छी तरीके से पिक्चराइज किए गए हैं. आई मीन आई मस्ट से द डायरेक्टर इज वेरी गुड, द प्रोडक्शन वैल्यूज वाज गुड, एंड इट इज ब्यूटीफुल रिटन. आई मीन जो हमारे डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी, जिन्होंने कैरेक्टर भी किया है, जो हमारे राइटर हां सॉरी जो हमारे राइटर हैं वही प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से एक रोल भी किया है. मेरे साथ में सीन था लास्ट में, राइट. तो ये बहुत अच्छे तरीके से एक फैमिली, मतलब बोलते हैं ना हम लोग फैमिली बन के काम किया, लेकिन एक टीम वर्क जो निकालते हैं एक रिजल्ट, वो बहुत प्यारा है. द आउटपुट वाज वेरी नाइस. पॉलोमी की मैं बात करूँ तो शी इज़ गोइंग इन टू अ बिग बॉस OTT3 ना, तो क्या कुछ आपको कहना है, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर? इट वाज अमेजिंग, इट वाज वेरी गुड, शी वाज वेरी स्वीट ऑन सेट और हमारा बहुत अच्छे से इंटरेक्शन हुआ उनके साथ. और वही यू नो जैसे सुबह ने बताया, हम सब एक फैमिली, एक टीम बन के काम कर रहे थे. एंड वो बिग बॉस जा रही है तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस उनके लिए, और हम यही चाहेंगे कि वो जीत के आए. मतलब वो जो चाहिए ना, मसाला, द राइट अमाउंट ऑफ तड़का मसाला एंड ऑनेस्टी, शी हैज दैट. सो वी होप शी विंस एंड वी आर रूटिंग फॉर हर. डेफिनेटली डेफिनेटली, बिकॉज़ हर होल बिहेवियर वाज लाइक
सुबह अगर आपको आपसे भूले तो बिग बॉस के बारे में क्या कहना है? बिग बॉस ऑनेस्टली बिग बॉस इज अ शो वेयर आई हैड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फन, बहुत मजा आता है करने में. और फिर जो जो बिग बॉस से आते हैं तो वो बिग बॉस में आते हैं, तो होपफुली यूजुअली वो मेन बिग बॉस के बाद होता है, ओटीटी में नहीं होता है. बट आई डोंट नो, लेट्स होप कि इट्स विद मी और विदाउट मी द शो स्टिल कम्स, बिकॉज इट्स अ फैबुलस शो. और फॉलो मी इसमें ना जाएं, क्योंकि उसमें सब एलिमिनेट होकर जाते हैं और वो जीत के विनर बन के ही जाते हैं. ओके, अगर आपके शो की बात करें तो ऑडियंस से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन एंड क्या कुछ आपको कहना है? आई मस्ट से एवरी काइंड ऑफ फ्लेवर यू विल गेट इन द शो, लाइक कॉमेडी है, रोमांस है, सस्पेंस है, ड्रामा है, हॉरर है, मतलब आपको कैरेक्टर्स पे गुस्सा भी आएगा इनके ऊपर, जैसे इनके ऊपर भी बहुत गुस्सा आएगा, मेरे पे भी बहुत गुस्सा आएगा, पर तरस आएगा मेरे ऊपर, बहुत तरस आएगा. और सर आपको आपको हर चीज मिलेगा उसमें, आपको कॉमेडी भी मिलेगा. बेसिकली सबने अपना जो भी एक्ट है बहुत ही वंडरफुली प्रेजेंट किया है, और 100% भी नहीं, 500% दिया है हमने सेट पे. और हम यही आशा करते हैं कि हमारी ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आए, और हम नागवधू का सीजन 2 भी लेकर आए. डेफिनेटली, जिसमें मैं अपनी सच स्टोरी तो बता नहीं सकता हूँ, इसलिए बच गया मैं. ठीक है, अगर मैंने अपना स्पोकन द ट्रुथ बट या डेफिनेटली नागवधू सीजन 2 भी बने. या डेफिनेटली आशा करते हैं कि आप इसे पसंद करेंगे. हमने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत 20-20 घंटे भी शूटिंग करी है, तो प्लीज आई होप यू गाइस विल वॉच तपती धूप में एंड यू गाइस विल लाइक इट. डेफिनेटली, बिकॉज़ ये कांसेप्ट बहुत अच्छा है, कांसेप्ट बहुत अच्छा है, रिटन बहुत ब्यूटीफुली है, एंड पिक्चराइज बहुत अच्छी तरीके से. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.